हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक हॉरर बेस्ड स्टोरी। आज मैं आप लोगों के लिए क्राइम स्टोरी नहीं लेकर के आई हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वही सुनाऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात ये कह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ कीप हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए आप लोग योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। ये हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, और क्योंकि आज के खान पान और दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि हमें फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें योगा पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैं खुद सुनी हूँ और वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये स्टोरी तब की है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और उस समय लाइट जो थी वो बहुत कम रहा करती थी हमारे घरों में, और उस समय हमारे घर में इन्वर्टर या जनरेटर ऐसा कुछ भी नहीं था, और हम लालटेन में पढ़ते थे और लालटेन में ही हम लोग रहा करते थे। लालटेन, दीपक ये सब ज़्यादा हुआ करता था, और जो लाइट थी वो रहती थी लेकिन ज़्यादा नहीं रहती थी, और आज सोचने पे वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बताना चालू करती हूँ। हम लोग खाना खाने के बाद में स्टोरी सुनते थे। अगर कोई आते थे हमारे घर में गेस्ट, तो हमें वो एंटरटेनमेंट के लिए कहानियाँ ही सुनाया करते थे। हमारी बगल वाली आंटी आई थी, और उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि आंटी आज आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। तो आंटी कहती है क्यों नहीं, आ जाओ फिर। उनके अपने घर के भी बच्चे थे और हम लोग भी थे, तो हम लोग पहुँच जाते उनके पास और वो कहानी सुनाना चालू करती है। आंटी बताती हैं कि दो दोस्त थे, वो आपस में उनमें आपस में काफ़ी दोस्ती थी, वो बहुत गहरे दोस्त थे, इसलिए वो जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे, और वो काम भी एक ही जगह पे करते थे दोनों दोस्त। तो वो दोनों दोस्त काम बाहर में जा कर के करते थे, वो उनकी जॉब नहीं थी, वो कहीं पे प्राइवेट जॉब किया करते थे। तो जॉब से जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो दोनों कहते कि चलो गांव फिर घूम के आ जाते हैं, और वो दोनों दोस्त साथ में घूमने के लिए गांव चले आते हैं। और जब वो गांव आ रहे थे तो ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन में 7 बज चुकी थी रात के, और जाड़े की रात थी तो सन्नाटा भी काफ़ी फैला हुआ था, और गांव में तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं रहा करते थे। जिसे ज़रूरत होती थी वो बाहर होते थे, जिसे ज़रूरत नहीं होती थी वो नहीं रहते थे। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था और लाइट भी नहीं थी। वो लोग अपना छोटा सा टॉर्च लेकर के दोनों चल देते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों हैं ना। और वो दोनों आने लगते अपने गांव। गांव जाने के दौरान जब वो स्टेशन से गांव जा रहे थे, तो उनका गांव वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर दूर था। तो वो दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग मानते थे, क्योंकि वो दो थे। तो वो दोनों कहते अरे कुछ नहीं होगा, हम लोग दोनों हैं ना, चलो चलते कोई ना। और ऐसा नहीं था कि वो पहली बार अपने गांव जा रहे थे, वो हमेशा उसी टाइम में अपने गांव जाया करते थे। दोनों चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होती है कि वो तो टॉर्च लेकर चल रहे थे, टॉर्च की रोशनी में उन्हें ज़्यादा तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस समय टॉर्च से वो लोग बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और वो थोड़ा रुक जाते हैं।
सन्नाटे में ये आवाज़ काफ़ी भयानक लग रही थी। वो लोग थोड़ा अजीब फील करने लगते हैं क्योंकि वो आवाज़ जो थी वो उन्हें डरा रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं, अरे यार इतने अंधेरे में, यहाँ इतना अंधेरा भी है और यहाँ तो आसपास कोई गांव नहीं है, 3-4 किलोमीटर के बाद ही गांव है, तो फिर इतने अंधेरे में यहाँ बच्चा कहाँ से आया? वो ये सोच वो एक दूसरे से पूछते। तो फिर दूसरा दोस्त बोलता है, नहीं यार हो सकता है हमें गलतफहमी हुई है, कोई होगा, चलो चलते हैं, कोई ना। वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उन्हें वैसे ही आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर रुक जाते हैं, कहते हैं, नहीं यार। उनका एक दोस्त कहता है कि नहीं, लगता है कोई बच्चा है। फिर वो चारों तरफ अंधेरे में टॉर्च मार के देखते हैं कि शायद किसी का बच्चा हो, या फिर कोई हो, हमारे साथ ही कोई आता होगा पीछे पीछे, ट्रेन से उतरने के बाद उसी का बच्चा रो रहा है। इसलिए वो आगे पीछे मुड़ करके चारों ओर देखते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई बच्चा नहीं दिखता है। वो फिर बोलते हैं कि नहीं यार, चलो कोई बात नहीं है, होगा किसी का बच्चा, तो उसके माँ बाप भी होंगे साथ में, चलो चलते हैं। फिर वो थोड़ी दूर जाते हैं, और ठंड के दिन में तो आवाज़ें भी ज़्यादा सुनाई देती है क्योंकि चारों ओर माहौल शांत होता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और फिर से उन्हें वो आवाज़ सुनाई देती है। अब वो आवाज़ थी जो उनके साथ साथ चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखना चालू कर देते, कह रहे, यार ये क्या हो रहा है, बच्चा दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज़ साफ नजर सुनाई दे रही है हमें। तो वो बोलते हैं कि अरे यार रुक कर देख ले क्या। तो एक दोस्त बोलता है, नहीं यार चल, देखते कहाँ तक जाता है। फिर वो चलने लगते हैं। सन्नाटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ उनके साथ साथ बढ़ रही थी। उनके अंदर का डर जाग रहा था। वो दोनों तो काफ़ी स्ट्रांग थे लेकिन फिर भी उनके अंदर का डर जागने लगा था। उन्हें अजीब फील हो रहा था क्योंकि उस बच्चे की आवाज़ में अजीब तरह की डरावना जो होता है, जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, उस टाइप का वो आवाज़ था। लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, चल यार कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं, अब आ गए हैं तब तो रुकना नहीं है। वो दोनों चल देते हैं। वो थोड़ी दूर जाते हैं, उसके बाद अचानक से एक बच्चा उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो दोनों टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ती है, बच्चे पे, वो चपक वो सोचने लगते हैं, इतनी अंधेरे रात में एक बच्चा कहाँ से आया, और ना इसका माँ है, ना इसके कोई पेरेंट्स है, कोई गार्जियन, कोई तो नहीं है इसके साथ में। वो बोलते हैं, उस बच्चे से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बाबू, और तुम यहाँ कहाँ से है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, फिर रोने लगता है। तो वो लोग सोचते हैं, हो सकता है किसी का बच्चा होगा, चलो गांव भी अब सामने आ रहा है, क्यों ना ले लेते हैं इसे साथ में। उसका एक दोस्त उस देखता है उस बच्चे को, उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर एक और दोस्त था, वो कहता है, नहीं यार मैं ले लेता हूँ इसे गोद में, चलो टाइम पास भी हो जाएगा। तब से यही बच्चा रो रहा था, हो सकता है माँ से बिछड़ गया होगा इसलिए कुछ बता भी नहीं पा रहा है, चलो घर ले चलते हैं। वो गोद में ले लेता है उसको, उसका एक दोस्त, दोनों दोस्त में से, और वो चल देते हैं। वो बच्चा चुप हो जाता है। वो लोग चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो इंसान अपने दोस्त से कहता है, यार बड़ी थकावट हो रही है, देखना ये बच्चा है तो करीब 5-6 साल का लेकिन काफ़ी भारी लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा ही, हो सकता है मैं इतना दूर चला तो लगता है थक गया हूँ, एक काम कर तू इसे ले ले थोड़ी दूर।
तो कहता है नहीं यार मेरे पास तो सामान है, एक काम कर चल रुक लेते हैं 2-5 मिनट, अब वैसे भी 2 से भले 3 हो चुके हैं, चलो ठीक है रुक जाते हैं। वो रुक जाता है, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वो कहता है अच्छा चलो यार मैं ठीक हूँ। वो बच्चा फिर से रोना चालू कर देता है, फिर वो गोद में उसे उठा लेते कि नहीं, चल गोद में ले लेने से ही चुप हो जाता है, वो उसे फिर से गोद में ले लेते हैं और फिर थोड़ी दूर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उसे अंदर से हरासमेंट फील होने लगती है, वो काफ़ी थक जाता है, जबकि वो काफ़ी स्ट्रांग था। वो दोनों दोस्त पहले के खाए पिए थे, वो काफ़ी वजन वजन लेकर के चलते थे। वो कहता है कि यार ये पहली बार हो रहा है कि मैं जब गांव जाता था मैं कितने सारे सामान लेके आता हूँ लेकिन मैं कभी थकता नहीं हूँ, और आज मुझे अजीब सी थकावट हो रही है, पसीने आ रहे हैं ठंड में, मैं थक रहा हूँ यार, काफ़ी भारी लग रहा है ये, जैसे जैसे गांव सामने आ रहा है, पता नहीं हो सकता इतना चल लिया इसके लिए या फिर रात इतनी ये है, मुझे आज अजीब फीलिंग आ रही है। तो उसका दोस्त कहता है एक काम कर इसे उतार दे, ये बता भी नहीं रहा है किसके घर का है नहीं है, और गांव में ये हमारे गांव का तो है नहीं। तो उसका दोस्त कहता है नहीं यार बच्चा है कहाँ पे उतार दूँ इसे, चल लेके चलते हैं, जिसका भी होगा वो सुबह इसे ढूंढ लेगा। ये बोल करके वो थोड़ी अपने जब गांव करीब आ जाते हैं, जब वो अपने गांव की सीमा में घुस जाते हैं तो अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है गोद से। अब वो दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा गया तो क्या कहाँ। तो वो उस गोद से ही छलांग लगाता है, छलांग लगाता है इतना तो पता है, लेकिन वो छलांग लगाने के बाद वो लोग के आंखों के सामने ही वो गायब हो जाता है। दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब तो इसका डर से और पसीना आने लगता, कहता अब क्या करे। तो वो आगे फिर बढ़ने लगते, कहते चल यार आज तो बचे। हाँ यार आज तो हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई, और ये बात घर में किसी को मत बताना नहीं तो वो लोग भी डर जाएंगे हमारे साथ साथ। ये बोल करके दोनों दोस्त चल जाते हैं, और एक दोस्त का घर थोड़ी दूरी पे था, तो वो कहता है नहीं आज तू अकेले नहीं जाएगा, चल मेरे ही घर चलो, हमारे साथ आज बहुत बड़ी घटना हो चुकी है जो विश्वास के लायक नहीं है, और अगर हम घर में भी बताएंगे भी तो हमारी बात को कौन मानेगा। ये बोल करके वो चल देते हैं। जब वो घर में जाते हैं, घर खुलवाते हैं, और घर में खुलवाने के बाद उनकी माँ जो होती है वो उन्हें पानी देती है, बैठाती है, पूछती है कि बेटा क्या बात है, तू इतना इतनी ठंड में तुझे पसीने आ रहे हैं, इतने दूर से आया इसके लिए क्या, बैठ पानी पी ले खाना खा ले। तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, माँ समझ जाती कि जरूर कुछ हुआ है। वो पूछती है कि बता क्या बात है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, जरूर तुम लोगों के साथ कुछ हुआ है। तो वो नहीं छिपा पाते अपनी माँ से और वो उनसे सारी बात बता देते हैं। अब उसकी माँ के तो डर से हालत ख़राब हो जाती है, वो कहती है कि आज तुम लोग बच गए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं था, वो कुछ अब नॉर्मल पराशक्ति थी या फिर भूत कुछ तो था वो। ये सुबह होते होते उस इंसान को फीवर आ जाता है, कि माँ बुलाती है पंडित को बगल से, वो आते हैं ओझा, वो देखते हैं पूछते हैं कि क्या हुआ था रात को, वो सारी बात बताता है, लेकिन उनके झाड़ फूँक करने के बावजूद भी उनकी फीवर उतरती नहीं है, वो बीमार हो जाते हैं। और उसका जो एक दोस्त और था वो भी काफ़ी डरा हुआ था, उसे ओझा ने एक मंत्र पढ़ा हुआ ताबीज़ दिया और कहा कि इसे पहन लो। वो दोनों को देते हैं, लेकिन जो उस बच्चे को गोद में लिए थे उनका पहला दोस्त, जो बच्चा को गोद में लेकर के सारे रास्ते लेकर के आया था, वो काफ़ी बीमार हो चुका था, और अचानक से तीसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। ये देख करके उसका जो दूसरा दोस्त था वो काफ़ी शॉक और सदमे में आ जाता है कि ये क्या हुआ।
मेरे दोस्त के साथ। तो जो पंडित जी थे ओझा, उन्होंने कहा कि तुम बच गए बाबू, अगर तुमने भी उस बच्चे को लिया रहता गोद में तो तुम भी नहीं बचते। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो शैतान था। और ये बताते बताते आंटी बताती हैं, जब हम लोगों ने, आंटी चुप हो जाती हैं कहानी बताते बताते, तो हम लोगों ने पूछा कि आंटी क्या हुआ। आंटी रोने लगती, तो हम लोग पूछे उनसे कि आंटी क्या हुआ था, वो कौन थे। तब आंटी उस समय बताई थी कि वो हमारे सगे अंकल थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग को क्या बताऊं। उस समय हम लोग ये कहानी सुन करके, हमें कहानी लगा था, लेकिन ये कहानी नहीं थी, ये ओरिजिनल उनके साथ हुई थी। तो आज के दौर में तो हम लोग नहीं मानते हैं कि ये सब होता है, लेकिन इसे झूठलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये उनके साथ सच में हुआ था। तो एक तरफ हम ये देखते हैं, एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये सब नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें ये मानने पर विवश कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई स्टोरी। और आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है, और मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाती हूँ, क्योंकि ये सच्ची घटना हो है, तो बोलते बोलते मैं भी उसमें घुस जाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोगों ने इसे पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर के आऊँगी, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।